हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम उड़द दाल का लच्छा पराठा बनाने वाले हैं। ये पराठा बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, जल्दी से बन जाता है और टेस्टी होने के साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कटोरी उड़द दाल ली है। तो हमने यहाँ पे छिलके वाली दाल इस्तेमाल की है। छिलके में फाइबर होता है तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसकी जगह पे बिना छिलके वाली दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दाल को हम 2-3 बार अच्छे से धो लेते हैं। अब दाल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हमने यहाँ पर कुकर लेना है और कुकर में हम सारी दाल डाल देंगे। अब दाल को कुकर में डालने के बाद जितने हमने दाल ली है उससे 2 गुना ज़्यादा हमने पानी लेना है। तो 1 कटोरी दाल के लिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी पानी लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे और सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन लगा के हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 सीटी होने तक पका लेते हैं। तो कुकर की 3 सीटियां निकल के हमने कुकर को ठंडा कर लिया है। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे और चेक कर लेते हैं कि दाल ठीक से पकी है या नहीं। तो बस थोड़ी सी दाल हम हाथ से प्रेस करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल बिल्कुल परफेक्टली पक चुकी है, ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो रही है। तो अब हम आटा गूंध लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब सारे आटे को परात में हमने डाल दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन को हम हाथ पे घिस के इसमें डालेंगे। इसके साथ ही हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। इसे भी हम इस तरह से हाथ पे रब करेंगे और उसके बाद डालेंगे ताकि स्वाद अच्छे से उतर जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इन सारी सूखी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हमें इसमें पकी हुई उड़द की दाल डालनी है। अब दाल पकने के बाद जो पानी बच गया था वो भी हम इसमें डालेंगे। तो दाल थोड़ी सी गर्म है तो आटे को हम चम्मच से ही दाल में मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। आप घी की जगह बटर या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दाल थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है तो हम इसे हाथ से ही मीडियम कंसिस्टेंसी में गूंदेंगे, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे। और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें दूध डालते जाएंगे। आप इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल रोटी के आटे जैसा इसे गूंद लिया है। अब हम इस पर 1 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे भी आप घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में जहाँ पे भी हमने घी का इस्तेमाल किया है वहाँ पे आप तेल या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आटे को तेल लगाने के बाद हमने अच्छे से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इस पर हम एक कपड़ा रख देते हैं और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी में 1 चम्मच चाट मसाला लिया है। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल के सारी चीज़ों को मिला लेंगे और हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने जो आटा गूंद के रखा है इस पर से हम कपड़ा हटा देते हैं और आटे को दोबारा एक बार पराठा बनाने से पहले अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। बस 1 मिनट ही हम इसे गूंद लेंगे। तो आटे को गूंदने के बाद हम इसे इस तरह से रोल करेंगे अंदर की तरफ और हाथ से इस तरह से प्रेस करके ही इसका गोला निकालेंगे और बस इसकी इस तरह से अंदर की तरफ आटे को धकेलेंगे और इस तरह से इसकी लोई बना लेंगे। तो अंदर की तरफ आटा भर चुका है। अब इसे हमने रोल कर लिया है और इसकी लोई बना ली है। अब इसे बेलने के लिए हम पाटे के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, लोई रखेंगे और लोई के ऊपर भी आटा डाल के हम इसे बिल्कुल अच्छे से गोल बेल लेंगे। तो पराठा हमने बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम घी डालेंगे अच्छी तरह से। पूरे पराठे को हमने घी लगा लेना है। अब घी को अच्छी तरह से पराठे को लगाने के बाद इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे। तो करीब 1 चम्मच मसाला हमने इस पे डाल दिया है।
थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया हम डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पराठे के ऊपर फैला देंगे और इसे प्रेस कर लेंगे ताकि धनिया जो है वो पराठे में अच्छी तरह से चिपक जाए। अब पराठे को हमने इस तरह से फोल्ड करना है, बस आगे पीछे करके, जिस तरह से हम कागज़ का पंखा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। बस इसकी प्लेट्स बना लेनी है हमें। इस तरह से हम इसे आगे की तरफ लेके जाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। बस ऐसे ही हम सारी प्लेट्स बना लेते हैं। तो सारी प्लेट्स बन जाने के बाद मसाले की साइड को हम नीचे रखेंगे और इसे हम इस तरह से रोल करके फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल चकली की शेप में इसे हमें रोल कर लेना है और उसके बाद जो इसका एंड है उसे हम बीच में डाल देंगे। अब इस पराठे की लोई को सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। तो बारीक कटा हुआ लहसुन हमने इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़ी सी हम इसके ऊपर कलौंजी भी डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये पराठे में से बाहर ना निकले। और उसके बाद इसके ऊपर हम फिर से सूखा आटा डाल देंगे और पराठे को उल्टा करके हम बेल लेते हैं ताकि जो हमारे लहसुन और कलौंजी है वो अच्छी तरह से पराठे में फिक्स हो जाए। तो पराठे को हम पूरा गोल बेल लेते हैं। पराठा हमने बेल लिया है और तवा भी हमने गरम कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो अब हम पराठे को तवे के ऊपर डालेंगे और एक साइड से इसे हम लो फ्लेम पे ही सेक लेते हैं। अब एक साइड से पराठा सिक चुका है तो अब हम इसे पलट देंगे और गैस को हाई फ्लेम पे करके ही हमें पूरा पराठा सेक लेना है। तो जिस साइड से हमने पराठे को पलट दिया है उस साइड को हमने घी लगा लिया है। अब फिर से हम इसे पलटेंगे और दूसरी साइड से भी पराठे को अच्छी तरह से घी लगा लेंगे और इसे हमें बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो हाई फ्लेम पे ही हम इसे सेकेंगे ताकि पराठा जल्दी से भी सिक जाए और ये बिल्कुल क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं पराठे की लेयर्स जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रही है। तो जहाँ जहाँ मुझे घी कम लग रहा है वहाँ मैं फिर से घी लगा लूँगी और इसे अलट पलट करके दोनों साइड से हम सेक लेंगे। तो पराठा हमने सेक लिया है, ये पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना क्रिस्पी बन चुका है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा लच्छा पराठा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम बटर डालेंगे और इसे हम पनीर की सब्जी के साथ, दाल के साथ भी खा सकते हैं और ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस पराठे में हमने दूध का इस्तेमाल किया है इसलिए ये टिकता भी बहुत दिनों तक है। आप इसे ट्रैवल करने के टाइम पे लेके जा सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।